वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें दिया गया है कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 5 years ago वाज 5:7। सो ए एंड बी का जो एज का जो रेशियो है वो 5 साल पहले था 5:7। सो हमें पता लगाना है कि 5 साल फ्रॉम नाउ यानी कि प्रेजेंट से 5 साल के बाद उनके एज का जो सम है वो इनमें से कौन सा हो सकता है, पॉसिबल कौन सा है। सो सबसे पहले हम उनका प्रेजेंट एज फाइंड कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ ए 5 years ago। 5 years ago ए का एज था, अगर हम रेशियो से देखें तो 5x हम लेट कर सकते हैं। एंड The एज ऑफ बी 5 years ago 7x हो जाएगा। देयरफोर द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू होना चाहिए 5x + 5। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी होना चाहिए 7x + 5। हमें पता लगाना है 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि आफ्टर 5 years एज कितना होगा। नाउ एज ऑफ ए आफ्टर 5 years इज इक्वल टू होना चाहिए प्रेजेंट एज प्लस 5 That is 5x + 5 + 5 is equal to 5x + 10 हो जाएगा। Similarly, age of B after 5 years is equal to होगा present age that is 7x + 5 + 5 years is equal to हो जाएगा 7x + 10। हमें possible sum of एजेस ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, सो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ एज ऑफ ए प्लस बी आफ्टर 5 years इज इक्वल टू होगा इन दोनों का सम दैट इज 5x + 10 + 7x + 10 इज इक्वल टू 12x + 20। सो इससे अगर हम 4 कॉमन लें तो हमें मिलेगा 3x + 5। सो ये होगा उनके एज का सम। अब हम आते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जो भी 4 का अगर मल्टीपल हो या फिर जो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा वही इसका आंसर होना चाहिए। सो अगर आप ऑप्शंस चेक करो तो यहाँ पे 92 जो है वो 4 का मल्टीपल है। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि 92 जो है वो 4 से डिवाइड होगा। सो 92 पॉसिबल सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी हो सकता है। थैंक यू।